है गाइस, कैसे सब सभी लोग, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम करता हूं आप सभी को आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर मैं जो मेथड आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। इस वीडियो के अंदर जस्ट मैं आपको एक वे प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर आपको इसके ऊपर फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसके ऊपर मैं फुल ट्यूटोरियल लेके भी आ जाऊंगा। सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए जो है हम इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने मिस्टर शाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। सो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके पास इसके लिए वर्डप्रेस एंड डोमेन होना जरूरी है। अगर आपके पास वो नहीं है तो ये फ्री में कैसे लेते हैं, इसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, जिससे आप जो है फ्री में वेबसाइट की होस्टिंग और यहाँ पे डोमेन ले सकेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम एस्टिरा और मोनी टैग को जो है वो यूज़ करने वाले हैं। आप जिसको चाहे यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे एस्टिरा को यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे यहाँ पे जो है वो मोनी टैग को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोनी टैग का आप ये जो वेबसाइट होने वाली है, ये जो ट्रिक होने वाली है वो यहाँ पे आपके जो मेन यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट लिंक है उसी के ऊपर जो है वो हम करने वाले हैं। ये नहीं डायरेक्ट लिंक के ऊपर होने वाली है लेकिन बहुत कमाल के होने वाले हैं। वो कैसे होगी, ऑटोमेटिक सारा काम होगा, बस आपको जो है वो कुछ भी नहीं करना होगा, आपने जस्ट अपनी अर्निंग को मॉनिटर करना होगा कि आज कितनी अर्निंग हुई है और कल कितनी अर्निंग हुई है। अब करना क्या, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर तीन फाइल्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा जिनमें दो प्लगइन्स होंगे और एक जो वो फाइल होगी वो किस काम आएगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना लिंक बना लेना है। वो लिंक कैसे बनाना है, आपने मोनी टैग का नाम है, मोनी टैग आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिंक कॉपी करना है, जैसे आप ये कॉपी करते हैं तो आपको जो है वो ये वाली जो फाइल है यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें आपने क्या करना है, इस यूआरएल को जो है वो एडिट कर लेना है। जब आप आएंगे तो यहाँ पे जो है वो चार ये लगे होंगे और ये आपका लिंक जो है वो नहीं लगा होगा, मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ। तो आपने सिंपली ये जो आपको देखने को मिले दो डॉट और यहाँ पे जो है फॉरवर्ड स्लैश आपने ये लगा देना है लिंक अपना, उसके बाद आपने HTTPS लगा देना है, सेम टू सेम एज यहाँ पे जिससे आपको नज़र आ रही है HTTP आप ऐसे ही लगाना है। ये जैसे आप लगा लेंगे तो आपने इसको कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने अपनी वर्डप्रेस वाली वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पे जो है मैं वर्डप्रेस वाली वेबसाइट पे चले जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आना है प्लगइन्स के अंदर, ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर जाना है। ठीक है, और ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर जाने के बाद आपने जो है वो दोनों प्लगइन्स को ऐड कर लेना है। जैसे आप उनको ऐड कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, अपीयरेंस में आना है। यहाँ पे अपीयरेंस में आने के बाद आपने थीम फाइल एडिटर में चले जाना है। जैसे ही आप थीम फाइल एडिटर में जाएंगे, वो प्लगइन्स आपने इंस्टॉल कर लिए होंगे, तो थीम फाइल यहाँ पे जो है वो एडिटर में चले आना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे हेडर ढूंढना है, जैसे कि यहाँ पे मेरे सामने आपको दिखा देता हूँ, ये देखें थीम हेडर, इसके ऊपर आपने चले जाना है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपने ये देखें मैंने लगाया हुआ है, मेरा 15 नंबर पे लगा हुआ है ये लिंक, तो आपने इस वाले हेड और इस वाले हेड के दरमियान में कहीं पे भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे जो है अगर आपकी जगह यहाँ पे नहीं होगी तो यहाँ पे इसके नीचे आप स्पेस देके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जब आपका ये पेस्ट हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या काम होगा गाइस मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, यहाँ पे जो है मैं वेबसाइट को विजिट कर लेता हूँ और विजिट करने के बाद यहाँ पे जो है मैं इसको न्यू टैब में विजिट करता हूँ। विजिट करने के बाद यहाँ पे जो हम थोड़ा सा वेट करते हैं और वेबसाइट ओपन हो रही है। अच्छा, इस लिंक का आपको ये फायदा होगा कि जैसे ही कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा और आपके आर्टिकल के ऊपर क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा न्यू यहाँ पे जो है वो आपके डायरेक्ट लिंक के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं उसी डायरेक्ट लिंक के न्यू पेज के ऊपर आ गया। जैसे ही कोई आएगा वो आपके आर्टिकल के ऊपर क्लिक करेगा या फिर आपकी वेबसाइट को ही ओपन करेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारे मेन जो हमारा यहाँ पे लिंक लगा होगा उसी के ऊपर। अब करना क्या है, यहाँ पे आपने काम क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप ये लगा लेंगे, अपडेट फाइल कर देना है, उसके बाद जो आपको मैंने यहाँ पे जो है वो टूल्स दिए हैं यानी प्लगइन्स दिए, उनमें से आपको एक जो है वो FS पोस्टर होगा, एक ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक वाले में आपने आना है, न्यू कंपेन के ऊपर चले जाना है। जैसे आप न्यू कंपेन के ऊपर जाएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। न्यू कंपेन के ऊपर जाने के बाद आपने अब यहाँ पे काम करना है सारा, यहाँ पे आपने समझना है इस चीज़ को, मैं जैसे आपको एक वे दे रहा हूँ। अगर आप इसके ऊपर फुल ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा। अब यहाँ पे आपने कोई भी टाइटल दे देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं RSS फीड दे देता हूँ। यहाँ पे आपने कंपेन टाइप में फीड्स दे देना है, उसके बाद इसको आपने मैक्सिमम कर देना है। अब यहाँ पे आपको लिंक्स जरूरत होंगे, सिंपली आपने गूगल में चले जाना है और वहाँ पे जाने के बाद आपने क्या करना है गाइस, वहाँ पे लिखना है आपने क्रिकेट RSS या क्रिकेट न्यूज़ RSS फीड। तो उसके बाद आपको ये वाली वेबसाइट देखने को मिलेगी RSS.feedsport.com। इसमें आपको जब वो क्रिकेट से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं जो डेली जो है यहाँ पे बहुत सारी भर भर के जो है वो पोस्ट डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 पोस्ट जो है वो पर डे की यहाँ पे डाल रहे हैं, ये 25 पोस्ट डाल रहे हैं, ऐसे ये चार पोस्ट। तो ये जो है रोज़ाना के तौर पर यहाँ पे पोस्टिंग कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इनसे वही चीज़ें लेनी है, हमने वही इनके आर्टिकल जो है वो यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर डालने हैं। ये कोई हराम काम नहीं है, आपने इस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ पे मान लो मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, इसका आपने अब यहाँ से लिंक उठाना है, जैसा कि यहाँ पे .com से जो है मैं इनका लिंक उठा लेता हूँ। इसको उठाने के बाद आपने कंपेन पे जाना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जितनी भी वेबसाइट से आप आर्टिकल उठाना चाहते हैं ये ऑटोमेटिकली करता रहेगा, आपने कुछ नहीं करना, आपने उन सभी के यहाँ पे लिंक लगा लेने हैं इंटर प्रेस करके। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं जो है लगा देता हूँ, ऐसे जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है,
अपने एक ही वेबसाइट के नहीं लगाने, अलग अलग वेबसाइट के लगाने। उसके बाद आपने रोटेट फील्ड्स को ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। ये दो जो स्किप पोस्ट नो कंटेंट और स्किप पोस्ट विदाउट इमेजेस, इसको आपने ओके कर लेना है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपने थोड़ी सी सेटिंग करनी है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आपने स्क्रॉल डाउन करना है और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद ये वाला सेक्शन में आपने ऐड वन को कट कर देना है, और ये जो दो नीचे वाली लाइन है इनको भी कट कर देना है, ये आपने रहनी देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो नीचे आपको टाइटल वर्ड एज हैशटैग आपको नजर आ रहा है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, आपका काम हो गया। अब यहाँ पे आपने इसको 5 मिनट कर देना है, ताकि 5 मिनट के बाद जो है आपकी, हर 5 मिनट बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर न्यू पोस्ट होती रहे। तो आप 5 मिनट करेंगे, उसके बाद आपने इसको पब्लिश कर देना। अब यहाँ पे काम क्या होगा कि ये जो यहाँ पे प्लगइन है, ये उन्हीं वेबसाइट से जिनके हमने लिंक दिए हैं, इन वेबसाइट से आर्टिकल उठाएगा, हमारी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करेगा। अब आपके पास डोमेन भी नहीं होगी, आपके पास होस्टिंग भी नहीं होगी, गैस ये काम आप सब डोमेन के ऊपर भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप डेली के जो है वो तकरीबन $60 से $70 कमा सकते हैं इजीली। अगर आप एक ही ये सेटअप बनाएंगे तो आपके डेली के $3 से $5 आएंगे, लेकिन अगर आप यही सेटअप मल्टीपल सब डोमेन्स के ऊपर बना लेते हैं, यानी 4 से 5 पे या 10 के ऊपर बना देते हैं, तो आपकी डेली की अर्निंग होती रहेगी, और डेली आपके जो है यहाँ पे अर्निंग जनरेट होती रहेगी, और यहाँ पे पोस्टिंग आपकी वेबसाइट के ऊपर होती रहेगी। सो कुछ इस तरह से जो है ये आपने वर्क करना है, और मैंने आपको जस्ट एक वे प्रोवाइड किया। अगर आपको ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद ही होगी। अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने एक बार।